हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाते हैं सफ़ेद बैंगन की सब्जी। सफ़ेद बैंगन देखने में जितने सुंदर होते हैं, सब्जी भी उनकी उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। इसके लिए बैंगनों को कट कर लिया और कढ़ाई में सरसों का तेल लिया। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें मेथी के दाने डाल देंगे, और जब मेथी के दाने चटकने लगें तो उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्ची और कद्दूकस की हुई अदरक डाल देंगे। इन सबको अच्छे से सॉटे करेंगे, और जब इनका कलर चेंज हो जाए तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब प्याज अच्छे से भून जाए तो हम इसमें बेसिक से मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, फिर हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें फाइन चॉप टोमेटोज डाल देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। जब ये अच्छे से भून जाए तो इसमें कटे हुए बैंगन डाल देंगे और इन बैंगन को अच्छे से सॉटे करेंगे। जब इनमें अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए तो हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा तो इसे कवर करके 10 से 15 मिनट ढककर पकाएंगे। फिर इसको बीच बीच में ढक्कन खोलकर इसको चलाते जाएंगे। जब सब्जी अच्छे से पक जाए तो इसमें गरम मसाला और ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। गाइस, मेरी सब्जी बनकर तैयार कर हो गई है। अब इसे सर्व करेंगे तो हरा धनिया से गार्निश करेंगे। गाइस, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी हो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।